हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्लास मैं पिछले क्लास में आपको दे चुका हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है और कैसे निकाला जाता है, इसका एक्सप्रेशन आपको निकाल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय पोटेंशियल यानी कि विभव एनर्जी का मान कितना होगा। सॉरी, यहाँ पर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब है इसका क्या मतलब है, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है किसके कारण, ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपका डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो वही जो आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य जो होता है क्या होता है कि वो एक एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर, तो क्या है आपका, किसी टेस्ट चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है वही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है और स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से r दूरी पर एक दूसरा चार्ज है स्मॉल q, जिसको अनंत से उठा करके लाया जाता है। क्लियर, अब क्या है कि अनंत से अगर उठा करके लाए हैं क्यू को तो कहाँ तक, तो ये इस पॉइंट तक उठा कर लाए हैं, तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, बी तक उठा करके आप क्या किए हैं कि इस चार्ज को लाए, ये चार्ज को उठा करके लाए। ठीक है, तो ले लेते हैं, माना कि क्यू एक पॉइंट चार्ज है जो ए बिंदु पर स्थित है, ए बिंदु पर स्थित है, जहां से r दूरी पर एक बिंदु b है, जहां टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को अनंत से उठाकर लाया जाता है। यदि अनंत से बी बिंदु तक चार्ज को लाने में किया गया कार्य का मान W तथा विभव V हो, तो अब क्या बोला जा रहा है आपका कि विभव कितना है, V है, क्या कहां से कहां तक, अनंत से B बिंदु तक लाने में विभव कितना हो जाता है, V आपका विभव हो जाता है। क्लियर, तो V का बात करें तो V इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 क्या होता है, Q/R। तो कौन सा Q होता है, टेस्ट चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, जहां पे उठा करके ला रहे हैं ये वाला चार्ज, ये हो गया क्यू बाय आर, ये हो गया पोटेंशियल। क्लियर, अब क्या है, चूंकि पोटेंशियल जो होता है इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टेस्ट चार्ज, ये होता है आपका, तो मतलब क्या हो गया, वी इक्वल टू W बाय टेस्ट चार्ज क्या आपका Q है, ये हो गया, तो इसलिए
अगर वर्क का बात करें हम लोग तो वर्क क्या आ गया, वी इंटू क्यू हो गया, ठीक है। एंड वर्क इक्वल टू वी इंटू, सॉरी वी का वैल्यू आप ले लीजिए यहां से, तो वी का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 क्यू बाय आर। और यहां पर पहले से क्या है स्मॉल क्यू, तो यानी कि वर्क कितना हो गया आपका 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाय आर, ये हो गया, ठीक है। अब ये निकल गया वर्क, तो अभी हम लोग क्या बोले डेफिनेशन से आपका, चूंकि किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं अतः किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं और कार्य क्या है आपका W, W इक्वल टू U हो गया, जो कितना हो गया 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाय आर, यही हो गया आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक क्लियर है। अब ये जो एनर्जी है आपका डिपेंड करता है दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन पर। कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है दोनों में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव हो, जैसे कि मान लीजिए ये फील्ड है तो ये फील्ड अगर मान लीजिए नेगेटिव कर दिया है यहाँ पे इस चार्ज को, यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कहने का मतलब दोनों कंडीशन यहाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा स्पेशल केस, क्या आ जाएगा स्पेशल केस देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग केस 1, यदि दोनों का गुणनफल मतलब क्या कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ग्रेटर देन जीरो, तो कहने का मतलब क्या हो गया क्यू और क्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये तो आपका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी क्या हो गया धनात्मक हो गया। अतः ऊर्जा धनात्मक होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, यदि केस 2 लिख लीजिए q less than 0, ये कब होगा जब दोनों में से कोई एक चार्ज माइनस होगा। कह सकते हैं अतः स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि अगर विभव की बात करें हम लोग विभव हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है। जबकि विभव का मान हमेशा धनात्मक होता है, क्लियर। इस तरह से हो गया आपका विभव का मान हमेशा धनात्मक होगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का मान जो है वो धनात्मक भी हो सकता है या नहीं तो ऋणात्मक भी हो सकता है, क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वे भी घर बैठे फिजिक्स के 12th के फिजिक्स की तैयारी आराम से कर सके। धन्यवाद।